बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कैट आपके घर में यूरिन पास कर दे तो आपने उसकी स्मेल को रिमूव कैसे करना है। बहुत से लोग से वॉश करके उसको यूज में ले आते हैं, इससे बहुत ज्यादा बुरी स्मेल हो जाती है जो कि निकालनी और भी ज्यादा मुश्किल है। आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें जो मैं अभी बताने लगी हूँ तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और आपको बाद में स्मेल का इश्यू भी नहीं आएगा। सबसे पहले जिस भी जगह पे यूरिन हुआ है, अगर तो कोई जमीन है तो उसको तो आपने उस जगह पे आपने ये स्प्रे बॉटल तैयार करनी है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। आपने 50% वाटर लेना है और 50% विनेगर लेना है। बाजार से जो आम सिंथेटिक विनेगर मिलता है आपने वो यूज करना है। ये दोनों चीजें 50% मिक्स करके आपने इसमें लीमू ऐड करना है। लीमू आप चाहे एक ऐड कर लें चाहे आप आधा ऐड कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे आप ज्यादा ऐड करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आपने इस ये तीनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स करके आपने स्प्रे बना लेना है और जिस भी जगह पे कारपेट पे या जहां पे भी हुआ है आपने उस जगह पे अच्छी तरह से स्प्रे करना है और वहां का फैन ऑन करना है और विंडोज ओपन कर देनी है ताकि अच्छी तरह से उसकी स्मेल निकल जाए। नेक्स्ट डे आपने फिर यही एक्सरसाइज करनी है या एक ही दिन में दो बार आपने करनी है उसी जगह पर। इंशाल्लाह एक दिन बाद या दो दिन बाद आपको ये कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि वहां पर स्मेल आ रही है। अब अगर यही इशू आपके किसी कपड़ों पे या फिर आपके घर के मैट्रेस पे या फिर किसी गद्दे पे पेश आया तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है। उस सिचुएशन में आपने यही जो आपको स्प्रे का मटेरियल दिया गया है सारा विनेगर वाटर और लेमन ये तीनों आपने मिक्सअप करने हैं। इसी मिकदार में इसको मिक्सअप करके आपने जो भी अफेक्टेड एरिया है जो भी स्पॉट है जहाँ पे यूरिन हुआ है आपने उसको अच्छी तरह से वहाँ पे पानी डालना है। उसको अच्छे से सबसे पहले इसी स्प्रे बॉटल से आपने उसको वॉश करना है, इसी पानी से वॉश करना है। उसके बाद फिर आपने अगर चाहते हैं कि आप इसको वैसे वॉश करें तो आप इसको प्रॉपर वॉश करके आप उसको धूप लगवाएं दो दिन तीन दिन मैक्सिमम चार दिन। चार दिन तक तो आपको चाहिए आप उसको तेज अच्छी धूप लगवाएं। उसके बाद फिर आप जब उसको यूज में लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये स्मेल वाली कंप्लेन दूर हो जाएगी। ऐसे ही मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।